जैसे ही नमन को टीका लगाने से आए तो महक को ना हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और आज ना इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहाड़ में जो कढ़ाई होती है ना उसको भद्याओ बोलते हैं। तो नहीं, तीसरी बार, लेकिन और टाइम पे मुंह बंद करके ले जाते थे। आप सभी को मेरा प्यार भरा पैलाग, मैं भूमि स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही नामकरण के तीसरे दिन, क्योंकि कल तो इतना ज्यादा काम था ना कि ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं हुआ। साथ ही आज भी काम है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। कल कितना थोड़ा बहुत ना हमने कर दिया है मॉर्निंग का, ये बिस्तर वगैरह डाल दिया धूप में और इतने सारे ना कपड़े भी धो दिए हैं। तो ऊपर पे ना हमारा नामकरण वाला ब्लॉग आया है, अभी लोग ना टीवी में वही ब्लॉग देख रहे हैं। बाकी मैं चलती हूँ खाना बनाने के लिए। थोड़ा बहुत कपड़े तो बचे हुए हैं लेकिन उससे पहले ना खाना भी रख देती हूँ, उसके बाद नीचे कपड़े धोने के लिए आऊंगी। हमारा हाथ पैर कमर मतलब सब एक ही जैसा हो रखा था, इतनी दर्द हुई थी ना क्या बताऊँ, क्योंकि हमारी सीढ़ियाँ ना ऊपर नीचे जाने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ना खिचड़ी हम लोग खाएंगे, और जो बदही बात है वो दीदी के लिए बनेगा। तो कल से तो नहीं बना रहे थे, टाइम भी नहीं हो रहा था, तो जो हम खाते ना वही दीदी को दे रहे थे, लेकिन मम्मी बोली आज उसके लिए वो बनाते करके, क्योंकि ना कल से हैवी खाना खा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ना हल्का फुल्का हम भी खा लेते हैं और दीदी को भी हल्का फुल्का खिलाते हैं। मैंने खिचड़ी की तैयारी तो यहाँ पे कर ली है और ना इसको ना इग्नोर करना, क्योंकि मैं किचन ना लास्ट में साफ करती हूँ खाना वगैरह बना के। और जो बदही भात होता है ना उसके लिए मैंने चावल तो भिगा दिए हैं यहाँ पे। और आज ना इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो वैसे ज्यादा कुछ होता है नहीं, बस नॉर्मल सा चावल होता है उसको भूनना पड़ता है, लेकिन मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी। तब तक मैं अपना फोन चार्ज भी कर लेती हूँ क्योंकि इसमें चार्ज भी खत्म हो गया, और फटाक से खिचड़ी बनाती हूँ। उसके बाद बदही भात की ना रेसिपी आप लोगों को बताऊंगी। मैंने कुकर में खिचड़ी भी रख ली है। अब चलती हूँ मैं बदही भात बनाने के लिए दूसरे वाले किचन में, क्योंकि यहाँ पे ना गैस के आंच कम होते तो पकने में बहुत टाइम लगाता है। तो मैंने पानी गर्म तो कर लिया है, अब इस गर्म पानी को ना ले चलती हूँ दूसरे वाले किचन में। अब आ गई हूँ मैं लकड़ी वाले किचन में, और यहाँ पर भी ना हमने गैस लगा रखा है, तो यहाँ पे मैं गैस में ही बनाऊंगी भदेही भात। तो काफी लोग कन्फ्यूज होंगे भदेही भात क्यों बोलती है, वैसे तो हमारे पहाड़ में जो कढ़ाई होती है ना उसको भद्याओ बोलते हैं, तो उसी हिसाब से जो ये भात पकता है ना वो कढ़ाई में पकता है, तो इसको ना भदेही भात नाम रखा है। फटाफट से बनाते हैं भदेही भात, और वैसे हिंदी में कहें तो कढ़ाई भात। इस वाले भात को बनाने के लिए जो जो सामग्री चाहिए मैं सब ला गई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे है गरम पानी, चावल घर के है ये, और ये है अजवाइन, और ये कढ़ाई हो गई, ये घी हो गया। मैं चाहिए सिर्फ नमक और मसाला वगैरह, कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ा सा अभी ना नमक भी डालूंगी इसमें, तो इससे ज्यादा सामग्री नहीं चाहिए। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने घी भी डाल दिया है, और आज ना घी की क्वांटिटी भी ज्यादा है और चावल की क्वांटिटी भी ज्यादा है, क्योंकि मम्मी ने बोला है मैं भी खाऊंगी इसे, क्योंकि मम्मी को ना पिछली बार थोड़ा सा खिलाया था तो मम्मी को टेस्टी लगा था, तो इसलिए मैंने ना चावल भी आज बढ़ा के डाले हैं। थोड़ा मम्मी भी खा लेते हैं और थोड़ा मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि हमारे लिए भी तो अच्छा ही है ना वैसे। तो फटाफट से ना इसे बना भी लेते हैं। इस घी को पिघलने में ना बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आजकल ठंडों के दिन है तो घी ना पूरा जम जाता है, जकड़ी जैसे रहता है। ये घी भी गर्म हो गया है और ना इसमें से धुआं भी आने लग गया है। अब डालूंगी मैं ये अजवाइन, अजवाइन के दाने भी चटक गए हैं। अब डालेंगे इन चावलों को, कटोरे के सारे चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इन चावलों को ना अच्छे से भून लेंगे घी में। इन चावलों को उतनी देर तक भूनना है जब तक ये ना थोड़ा फूल जैसे नहीं जाते हैं और इनका कलर ना सबका रेड रेड नहीं हो जाता है। तो मेरे चावलों का कलर ना थोड़ा बहुत चेंज हो गया है और ये ना फूल भी गए, देख सकते हो आप लोग। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, तो सारे चावलों में मैंने नमक भी मिला लिया है। अब डालूंगी मैं इसमें ये गरम पानी,
जी है, अब ये पकने के लिए तैयार हो चुका है और इसकी रेसिपी ना इतनी छोटी सी रहती है। और आप लोग कमेंट करोगे कि क्या इसमें ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, तो आप लोग ना इसमें ठंडा पानी भी डाल सकते हो, लेकिन ठंडे पानी से ना इसका थोड़ा टेस्ट कम जैसा आता है और बार बार ठंडा पानी डालने से खाने में टेस्ट वैसे भी नहीं आता है, तो इसलिए मैंने ना गर्म पानी का यूज किया है। अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं और मैं जाती हूँ नमन के पास। वो सारे कपड़े फोल्ड करने हैं तो फटाफट से करते हैं, क्योंकि ना 3-4 दिन से बहुत ही मतलब कपड़े हो रहे थे यहाँ, तो फटाफट सबको फोल्ड करके कुछ इसमें डाल देते हैं, कुछ बेड में डाल देते हैं, मतलब सब सही रहेगा। ये मेरा गिफ्ट है, वेलवेट का सूट जो दलाई था माले। थोड़ा सा धूप सेकने के बाद हम जा रहे हैं इसको टीका लगाने के लिए, और इसको थोड़ा सा बुखार भी आया है। चलते हैं यार, गाड़ी आ रही है टीका लगाने वाली। और आज को भूमि कितने इंजेक्शन लगने वाले हैं? 3 लगने वाले हैं। आज पहली बार अपने गांव की सड़कों में घूमते हुए, नहीं तीसरी बार, लेकिन और टाइम पे मुंह बंद करके ले जाते थे, अब मुंह खोल के जा रहे हैं। नमन अपने गांव की सड़कों को देखते हुए। सुबह तो हमने इसका बुखार चेक किया था, नॉर्मली 8 था। एक बार इनसे कहेंगे कि बुखार चेक कर दो, वरना हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे भाई आज, वरना और भी ज्यादा बुखार आएगा ना। तीसरे महीने वाला है ये इंजेक्शन। तो बुखार है थोड़ा सा। अच्छा बुखार है। हाँ, तो एक बार चेक कर दो बुखार आप। अच्छा बुखार है, कोई नहीं अभी, लेकिन इसी महीने लगाना है तो फिर बच्चे तो पहले मुझे देखे आते जैसे मैं सुई लगाती हूँ, उसके बाद मुझे देखे। हमारे नमन को टीका नहीं लगा क्योंकि ना इसको हल्का हल्का सा बुखार था, और उस टीके को लगाने के बाद ना वैसे भी बुखार आता ही है, तो उन्होंने बोला, CHO मैडम ने बोला कि अभी नहीं लगी। सही है। और इसे ना जुखाम भी लगा हुआ है, तो अभी कब कोटी जाएगा क्योंकि इसको घूमना पसंद है। घूमना पसंद है, नहीं लगाना टीका आज। और उन्होंने बोला है ना बुधवार को आना, और उस दिन इसको अन्न भी वो कर रहे हैं, अन्न प्राशन कर रहे हैं। तो जैसे नमन को टीका लगाने से आए तो महक को ना हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, क्योंकि उसके हल्के हल्के आंख पीले हो रहे थे और पानी भी निकल रहा था हल्का सा। आज हमने CHO मैम से पूछा तो उन्होंने बोला एक बार डॉक्टर को दिखाई लेना, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह की दिक्कत भी हो सकती है करके। तो सारे लोग ना खाना खा के चले गए हैं हॉस्पिटल को, और घर पे है मेरे हस्बैंड जी, मैं और नमन। अभी मैंने भी खाना खा लिया है, तो मैं बर्तन वगैरह भी धो लेती हूँ क्योंकि किचन की हालत ना बहुत ज्यादा बुरी हो रही है। देखो मम्मी लोग आ गए हैं हॉस्पिटल से, और देखो ये, और ना हमारी महक को कुछ नहीं हुआ है, मतलब नॉर्मल सा होते रहता है, बोलो डॉक्टर बता रहे थे, बट लेकिन अभी खून ब्लड टेस्ट कर दे रखा है उसका, कल तक रिपोर्ट आएगी फिर पता चलेगा। डॉक्टर तो करता घबराने की बात नहीं है ना। और शाम को ना मेरा रिसेंटली प्रोग्राम बनाया गया, मैं कैंप में गिर जाऊँ, मेरा बहुत शौक भी था कि मैं कैंप करूँ, और असल हमारे बद्री मामा कैंपिंग कर रहे हैं, तो मैंने उनको दिन में कॉल किया आज कैंप करते हैं, तो वो मान गए थे। और ना वो आजकल कैंपिंग कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब में, तो आप लोगों ने अगर उनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं, बद्री ब्लॉगर का उनका चैनल का नाम है। तो आज हम दोनों साथ में कैंपिंग करने वाले हैं, इनके चैनल से तो आएगी वीडियो, थोड़ा बहुत नई बनाऊंगा अपने चैनल से, तो जाएंगे अब इस कार में जाएंगे, इनकी कार है, टैक्सी में चलते हैं पार्ट टाइम पे, मतलब फुल टाइम पे टैक्सी पे चलते हैं, पार्ट टाइम पे अगर यूट्यूब कर रहे हैं। चलते हैं यार, आज जिस लोकेशन पे हम जा रहे हैं ना वो बहुत डेंजर लोकेशन है, मतलब भयानक लोकेशन है, और हमारे गांव में बाघ का आतंक तो बहुत हुआ ही है आजकल, तो ना मुझे एडवेंचर चीज करना बहुत मजा आता है, बस मुझे साथ चाहिए था, तो हमने बद्री मामा को कॉल कर लिया आज। चलते हैं, मजा आने वाला काफी ज्यादा।